सरकार चाहे कोई भी हो, मगर आम बंदे की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ऐसी कुछ समस्या जनरल कैंट में आपको दिखाते हैं कि समस्या है क्या। दिलासा दिता गया सी नौकरी दी जाऊगी, ठीक है जी, बाद चो साडे नाल बहुत माड़ी हुई, जिहड़े जिन्ह ने पैसे दिते उन्हां दा काम होया। इत्थे तक कि जिहड़े ओल्ड एज आ, ओल्ड एज इत्थे एक मुंडा हैगा रिंकू अटवाल, रिंकू अटवाल है जी, ठीक है, ओहदी वाइफ घट्टो घट 35 साल दी आ, उहनूं भी नौकरी दित्ती गई है, ठीक है जी। जिहड़ा राजू अटवाल आ उन्हें घट्टो घट नहीं एक एक बंदे को 7-7 लाख रुपया लिता है, ठीक है, ठीक है जी। मैनू कल ही इन्होंने कहा कि तुहानू 10 लाख रुपए की 10 लाख रुपया दवो नौकरी दे देना। 10 लाख की डिमांड किन कीती तुहाडे कोल? राजू अटवाल की राजेश अटवाल जिहड़े अपने कंटोनमेंट बोर्ड च लगे हुए हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है जी। इन्होंने 95 तो लै लिया, 5 इन्होंने कहा बाद च दूंगा। अच्छा, मैं कहा सी इन्हां नूं, ठीक है, 5 लाख रुपया तुहाडे कोल लै चुके ना? हाँ जी, लै चुके। अच्छा ठीक है, ते बाद चो इन्होंने लुधियाना इधरों उधरों जिन्ने भी अपने रिश्तेदार सारे लवाए आ, ठीक है, ठीक है। इन्हां दा कोई खुद एक भतीजा वा, उहनूं भी रखाया इन्होंने, ठीक है, ठीक है जी। बाकी जिहड़े असी हाँ सारे अभी कितने जाइए हूँ, अपनी समस्या की आ रही है कि एक्चुअली गलबात अगे की हो जाए तो पैसे लेना है या नहीं? नौकरी मिलनी चाहिए है जी। अच्छा, नौकरी अप्लाई की अपना पूरा टब्बर करवाया टवाला ने, और तक इतने काउंसलर भी गए पे आ, काउंसलर मांगते 7-7 लाख रुपया इतने, एक काउंसलर नूं 5-5 बंदे दिते पे, ठीक है। दसो असी की करिए, गरीब बंदे दे बंदे फिर मैं एडवांस पैसे 5 लाख रुपया ने मेरे तो लिता, ठीक है, उस तो बाद कहता काम होने तो बाद दूंगा। अपने विधायक एमसी मिले गल कि एमसी का भी कहते हैं बच्चे विधायक कौन पैंता विधायक एमएलए कौन पैंता जोली जोली है जी जोली गल की जोली है नहीं एमएलए कौन पैंता तुम भरगत सिंह उन्होंने गल की सिलसिले बारे कोई गल नहीं की। अच्छा ठीक, हूँ सरकार को की मांग करते हो? सरकार को यही मांग कर रही भी साडा हक तो सानू दो। जी सफाई कर्मचारी कमीशन के अगे एक मांग की थी यूनियन वाले रास्ते सफाई कर्मचारी यूनियन अपील की
ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ 253 ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਯੋਗ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 154 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੈਕੈਂਸੀ ਹੁਣ ਭੇਜੀ ਆ ਤੇ 100 ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖ ਲਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਯੋਗ ਤੋਂ ਲੈਟਰ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀ ਅਸ਼ੋਕ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਡੈਥ ਕੇਸ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਧਾਂਦਲੀ ਮਚਾਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਖੰਗਾਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ 7-7-8 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਿੱਤਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋੜ ਸੀ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਡੈਥ ਕੇਸ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ 100 ਵੈਕੈਂਸੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਕੰਘਾਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸਾਰੀ ਧਾਂਦਲੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਫਾਈ ਰਾਸ਼ਟਰ नमस्कार सर। सर आज जो पब्लिक के बीच में थोड़ा एक रोष पर्सन किया जा रहा है, रोष कि कंडेमन बोर्ड ने हमें रखा नहीं लोगों ने, या उन्हें बिन बताया रख लिया, अपने सिफारसी लोग रखे हैं, आप इसके बारे में सर क्या कहना चाहते हैं? हमारे पास 154 फाइलें पोस्ट थी, ठीक है, तो हमारा 11 एप्लीकेशन आई थी, उसे मेरिट के आधार पर हमने 154 सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, तो बाकी जो सेलेक्ट नहीं हुए वो रोड डाल रहे हैं। अच्छा सर, उनका कहना कि वो हमें 7-7, 5-5 लाख, 7-7 लाख रुपए जो मांगे जाए, नहीं वो सब झूठ है, वो सब झूठ बोल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, ये ऐसे मेरिट के आधार पर सारी प्रमोशन अपॉइंटमेंट हुई है, वैसी नहीं अपॉइंटमेंट। उनका ये भी कहना कि सर जैसे हमारे घर में से किसी की डेथ हो गई है, उनको भी उनकी भी जॉब बनती थी, उन लोगों को उन्होंने जॉब नहीं दी, ऐसा भी कुछ नहीं, इसमें वो जॉब नहीं बनती, उसकी अलग कैटेगरी होती है। अच्छा, कम से कम उसको अलग पोस्टें देते हैं, इसमें नहीं सभी बंदे पार्टिसिपेट करते हैं, उसे मेरिट पर रखते हैं। अगे सक्सेना नितिन कुमार आमने सामने।